नमस्कार आमर विशेष उपस्थापना मतकु स्वागत करछि मु चिन्मय दर्शक बंधु मतरे आजर विषय वस्तु रहिछि स्टॉप रैगिंग रैगिंग कोन रैगिंग होछि आमो देशर हायर एजुकेशन सिस्टम रे गोटे निच्छक विश्रुंखलागत वास्तवता जोथि पई अनेक समय रे अनेक युवपीढ़ी निजर क्यारियर को अंधार को ठेली दैछंती अनेक समय रे ए रैगिंग पई किछि युवक मरण मुह को चली जाइछंती कहार मृत्यु घटी कहार भविष्य अंधार होई किए अधारू पाठपढ़ा छाड़ी चली जाइछि एमिति अनेक चित्र आम देखीछे जोथि पई कि 70 रे सुप्रीम कोर्ट एक आईन आनिले जोथरे एथिपाई दंडविधान रहिला जे जो माने रैगिंग करुछंती जदि सेबळ किछि प्रमाण हुए सेमाने दोषी बोली सब्यस्त हुंती ताहले सेमानको विरुद्ध रे आईन ग्रंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो आउ या भितरे अनेक गुड़िए राज्य मध्य निजस्व आईन आणिले एवं जहाँफल जो माने रैगिंग करुछंती सेमानको उपरे कार्यानुष्ठान नियाजे ओडिशा कथा जदि देखिबा ओडिशा रे मध्य आईन रहिछि आंटी सेल रहिछंती जोठी जो माने रैगिंग रो शिकार हेउछंती सेमाने कंप्लेंट करि परिबे एवं किछि दिन पूर्वरु मात्र किछि दिन व्यवधान रे आमे जदि जानिबा विसुट रे मध्य जो रैगिंग होइथिला 8 जण पिलांको दंडविधान करा गला एवं दंडविधान रे तांकु जरिमाना करा जाइथिला 54,000 टंका रे जरिमाना से माने देथिले किंतु गथा हेउछि जेतेबेले बारंबार कॉलेज गुडी करे जोठी उच्च शिक्षा दिया जाउछि से स्थान रे जेतेबेले शिक्षा को आमे प्राधान्य देउछे शिक्षा को मंदिर भाव रे गढुछे किंतु या भितरे रैगिंग रो स्थान काहे कि आ जदि रैगिंग होउछि बारंबार अभिजोग होउछि कार्यानुष्ठान निया जाउछि ताहले काहेकि बंद होउनी जोथि पाई निरीह छात्र छात्री माने बळि पडुछंती याकु नै कि आज आमे आलोचना करूछे वर्तमान एमिति एक घटना मध्ये आमो पाखरे आसी पहुँचिछि जे वर्तमान जो रहिछि संबलपुर रो जो माझीपाली स्थित होमियोपाथी कॉलेज रे वर्तमान रैगिंग रो अभिजोग आसुछि आ 4 जण छात्री को रैगिंग करिछंती छात्र आ जो मानको अश्लील भाषा रे गालीगुलज करिछंती एवं समस्तक सामना रे उल्लग्न हेबा पई मध्य कहितिबा छात्री माने वर्तमान अभिजोग आनुछंती आ ये अभिजोग वर्तमान आंटी सेल दिल्ली रे मध्य अभिजोग हे सारिछि अभिजोग आधार रे तदंत हेउछि कार्यानुष्ठान नियाजिबो किंतु काहे कि रैगिंग बंद हेउनी आकुने कि आमे आलोचना करूछे वर्तमान प्रथमे संबलपुर को जिबा कारण घटनाटी घटिछि संबलपुर रे मळयंक पाख को जिबा मळय पूरा घटना कोन थिला निश्चित पक्षे चिन्मय देखु जे गतकाल आज सकाल जहाँ खबर मिली जे गत 31 तारीख संध्या समय रे जो रही संबलपुर माझीपाली होमियोपैथी कॉलेज मेडिकल कॉलेज रे घटना घटी जो थी कि जो महिला हॉस्टल रही जो लेडीज हॉस्टल रही हॉस्टल भितर घटना घटी गत 31 तारीख संध्या समय 7 राति 9 पर्यंत ये पाखापाखि 2 घंटा धरी ये समय भितर रागिंग होता 4 जूनियर झील बालिका मानक जहाँ को लेकिन एम दिल्ली स्थित आंटी सेल अभियोग करते और आधार करके वर्तमान समय आंटी सेल पक्ष कॉलेज प्रिंसिपल और संबलपुर एसपी को मैं नोटिस आसी ये घटना के सत्य ता तदंत कर आज आम देखिथे आप सका बर्तमान पर्यटन खबर देखु लगातार आम कॉलेज जाइलूँ हॉस्टल जाइलूँ से विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया रखुलू गोटे पटे जिते बार देखा आंटी सेल पक्षर कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस को मैं नोटिस आसी घटना सत 4 छात्री ये अभियोग करछंती जोड़े जो घटना कि पाखापाखि 5 छात्री सीनियर छात्री और जोड़े छात्र घटना संपुक्त अच्छा जो माने कि बाध्य करते 4 छात्री को जे नग्न होगापी और अश्लील भाषा गोटे प्रकार गालीगुलज करते जो आम प्रतिक्रिया रखा चेस्ट कर प्रिंसिपल सीधा सल कहते प्रिंसिपल को सीधा सल कौन प्रकार अभियोग आसी केवल आंटी सेल पक्ष नोटिस आसी कॉलेज हॉस्टल एवं घटना घटी अंपटे देखा जो हॉस्टल घटना घटी से हॉस्टल छात्री को प्रतिक्रिया रखुलू से सीधा सल रोकठोक मना करते यही हॉस्टल कौन घटना घटी ना से दिन संध्या समय रे केवल हॉस्टल भितर छात्री मानक भितर और वार्डन मानक भितर एक मीटिंग चली हॉस्टल कौन से समस्या के नहीं किंतु जिते बेले देखा ये घटना जिते दिल्ली आंटी सेल को कंप्लेन जो तो ये घटना निश्चित भाव सत हो आशा करवा लगुच्छे पुलिस गोटे पॉइंट आसुची जे जेतबेले दिल्ली स्थित आंटी सेल रैगिंग रे अभियोग होईछि किंतु प्रिंसिपल को पाखरे खबर नाही एवं कॉलेज रो जो श्रृंखलागत कमिटी थाए सेमानको पाखरे खबर नाही एठी जणा पडुछि कोठी ना कोठी जो छात्र छात्री माने रहउछंती जो माने रैगिंग रो शिकार होउछंती सेमाने उचित फोरम पाउनांती जोठी अभियोग नै जिबा पाई परवर्ती समय रे मळे आपनको पाखो फेरी भी आलोचना मध्ये करबा किंतु किछि समय अटकाइबा पाई चाहिबी वर्तमान तबे
आम सहित तो एबीवीपी राज्य संपादक सौभाग्य महांती जोड़ी हे कि बर्तमान किसी कनेक्शन बोधे कटि जाइए परवर्त समय आम सहित तो जोड़ी हाँ आलोचना करवा पुणी मलय फेरबी मलय जो छात्र छात्री मैंने आपखे रही से ये रैगिंग को लेकर कौन प्रतिक्रिया निश्चित पक्षे चिन्मय प्रतिक्रिया रखा मुझ बर्तमान तो जीएम कॉलेज रही प्रतिक्रिया रखा जेहतु कि बर्तमान समय संबलपुर तीन टी कॉलेज रैगिंग घटना बर्तमान समय सामना कर प्रथम कर भिसुट भीमसार और बर्तमान समय मेडिकल कॉलेज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज घटना सामना करण कह देखु ये संबलपुर जिला रैगिंग थमुनि एवं छात्री को रैगिंग होती गोटे प्रकार आंटी सेल अभियोग आपड़ ये घटना कमी देखते देखु किसी दिन हम बुर्ला भिसुट हो कि बुर्ला भीमसार हो लगातार दुईट कॉलेज होता किंतु जो गत काली जो जमापड़ा कि संबलपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज रे किंतु झील मान कहवा अनुसार आम प्रति रैगिंग होनी किंतु जदि रैगिंग होनी कहीं आंटी दिल्ली स्थित आंटी रैगिंग सेल अध्यक्ष को चिठी कला और संबलपुर स्थित एसपी को चिठी कला जदि रैगिंग होनी जो जमापड़ी यहाँ कि छात्र छात्री मानक निश्चय भाव में कौन ना कौन से पक्षर चाप सृष्टि चाप सृष्टि होगा फल से कहते रैगिंग होनी निश्चय यह रैगिंग होती रैगिंग होनी एंटी रैगिंग सेल कहीं अध्यक्ष को संबलपुर एसपी को चिठी कला आने सारा संबलपुर नुह सारा ओडिशा रे मध्य असंतोष जारी रही क्योंपर भाव में संबलपुर जिले में लगातार गोटे मस रे तीन तीन थर रैगिंग होउची काहेकि संबलपुर पुलिस प्रशासन संबलपुर साइबर सेल चुप अछि यह मध्य असंतोष जारी रही चिन्मय प्रतिक्रिया रखा आपड़ कौन कहते देखु आप जो छात्र ये घटना गोटे कमी देखते आप रैगिंग हो छात्री को जानते पूर्व छात्र को रैगिंग छात्र मानक रैगिंग बर्तन छात्री मानक रैगिंग कर संबलपुर अत्यंत दुखर विषय मत कहीं दुख लगुच बर्तन संबलपुर क्रमगत भाव में तीन तीन यूनिवर्सिटी रैगिंग बोल चलती शिक्षा मंदिर हूँ यूनिवर्सिटी शिक्षा आरम मंदिर हूँ यूनिवर्सिटी शिक्षा मंदिर जो आप शिक्षार व्यवस्था को आप कलंकृत करेणु एथप्रति जिला प्रशासन और कलेजर अध्यक्ष दृष्टि आकर्षण करवा दरकार अच्छी भिसी दृष्टि आकर्षण कर आवश्यकता रही मात्र आपंक निकट में जानवाक पाइल से कथा को अस्वीकार करवीकार करना आपण होती गोटे गोटे मंदिर कारीगर प्रतिष्ठा आपड़ होती सेनापति आपत जदि छात्र छात्री मानक सुरक्षा दे पारे तेज क्या कौन सी रूप से छात्र छात्री मैंने सुरक्षा केमी पाए से निज्को छात्र छात्री रूप में परिगणित पाए कमी बर्तमान जीएम हिसाब से प्रत्येक छात्र संगठन प्रत्येक यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी आज आम एकजुट होती जिला प्रशासन और कॉलेज अध्यक्ष उचित पदक्षेप ग्रहण न करती और तीव्रतर छात्र आंदोलन हो एप्रति जिला प्रशासन और कॉलेज अध्यक्ष निश्चित रूप दायी रहेंगे देखुले जे घटना जेते सत हेतु जेतु के बर्तमान समय आंटी सेल को जेते बेले खबर जाए तो बर्तमान समय छात्र के मन में असंतोष जारी होची जे एभली घटना संबलपुर जिले में लगातार होची पाखा पाखी तीन दिन मले वर्तमान जेते बेले ये घटना सामना को आसिला संबलपुर रो घटना गुडी को सामना को आसुची ये भात हांडी रो गोटिए भात सदृश कारण जदि आमे देखिबा जदि एभली किछि अभिजोग आसुची रैगिंग करा जाउची कॉलेज गुडी करे छात्र होंतु किबा छात्री होंतु जो माने रैगिंग रो शिकार होउचंती किंतु पूर्वरु याउ जो कथा आपण कहुतिले मध्यम किछि सब पूर्वरु सूचना दउथिले जेतेबेले नोटिस करा गला प्रिंसिपल को एवं संबलपुर रो एसपी को किंतु सेमाने कथा को अस्वीकार करुछंती वास्तविक भाबरे जणे छात्र हुवंतु किबा छात्री हुवंतु से किभळी भाबरे साहस करिवो जदि ता सहित घटना न घटिछि ताहाले दिल्ली आंटी रैगिंग सेल रे से कबे अभिजोग करि पारिबो कि आउ जदि अभिजोग होउछि जे प्रिंसिपल रहिछंती कॉलेज कर्तृपक्ष रहिछंती श्रृंखला कमिटी रहिछि सेमानक पाखरे अभिजोग नाइ किंतु आउ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची या भितरे कोठी ना कोठी जो मानकर गुरु दायित्व रहबा कथा किभळी छात्रटी आसिले हॉस्टल हो किंबा कोनोसी विद्यालय को महाविद्यालय को जदि जाउची से किभळी सठिक भाबरे तार शिक्षा दान करिवो एवं डिग्री हासिल करी घर को जीवो किंतु या भितरे जो रैगिंग रो कथा आसुची जो माने सीनियर रहिछंती पिलांकु रैगिंग करुछंती जदि प्रिंसिपल माने एवं कॉलेज रो कर्तृपक्ष श्रृंखला कमिटी ये दिगरे ध्यान दियते हुए तो कोठी ना कोठी ये सब रैगिंग गुडी को बंद हेइ पारता किंतु सेमानंकर एने कोनोसी मध्य निघा नै मलय जानवाक चाहिए जो छात्र छात्री माने आपण को पाखरे अछंती सेमानंकर प्रतिक्रिया नेबा वास्तविक भाबरे ये जो रैगिंग होउची एवं एहाकु प्रश्रय दउची किए कारण जदि श्रृंखलागत कमिटी आहा परे तदंत करंता सठिक भाबरे एकु गुरुतर सह नियंता एवं जो छात्र छात्री माने आसी पाठ पढुछंती सेमानंक भितरे किभळी श्रृंखला देखा दबो एने कि जदि कोनोसी कार्य करा जांता हुए तो रैगिंग शब्द मध्य उठंता नाही
କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଛି? निश्चित पक्ष चिन्मय देखो जेहतु कि बारंबार लगातार भाव तीन टी कलेज ये घटना जो सामना तो बड़ प्रश्न उठे कलेज करतृपक्ष कौन करज करतृपक्ष कि श्रृंखला पालन करके बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठू आपड़ कौन कहते देखु ये जो कथा जेहतु लगातार तीन टी कलेज कथा सामना कलेज करतृपक्ष कि पदक्षेप ना कथा जो द्वारा कि ये घटना आगक न बढ़ता जेहतु कि आज पूर्व दुईट कलेज आज पुणी गोटे कलेज कथा सामना को आभली पदक्षेप ना कि कार्यस्थान निगले आज बर्तमान समय ये घटना आगक न व्यापंता पुणी देखु बर्तन तो मानते मो नीरवता सहित आप हाथ जोड़ी कलेज प्रत्यक्ष अध्यक्ष मानक भिसी मानक अनुरोध करुच्ची बर्तमान शिक्षार मानदंड शिक्षार प्रगति क्षेत्र में छात्र छात्री मान भूमिका आवश्यकता रही तेणु ये आवश्यकता क्षेत्र में छात्री मैंने किपर भाव कि छात्र होती रेगिंग न हो एक स्वच्छ बातावरण भितर एक श्रेष्ठ शिक्षानुष्ठान आवश्यकता अच्छी एपं आप निजस्व तरफ निजे अध्यक्ष ता अध्यक्षता ग्रहण कर किपर रूप से किपर संपादन रूप से कलेज रेगिंग न हो जो छात्र छात्री मैंने से रेगिंग क्षेत्र में रही विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर फल पुनर्बार कौन इनिट्यूट कौन यूनिवर्सीटी रेगिंग न हो दुर्तमूलक कार्यकारी एक सुस्थ चिंताधार और सुस्थ प्रेजेटेसन आवश्यकता रही से प्रेजेटेसन को आपड़ निजे अध्यक्षता निजे करूँ ताफल एक श्रेष्ठ शिक्षा नीति में एक श्रेष्ठ शिक्षानुष्ठान गढ़ी पार कहीं कहले बर्तमान समाज में जदि रेगिंगटा बढ़ तो छात्र छात्री हॉस्टल रोह को आग्रह प्रकाश करेनि शिक्षार मानदंड कमिजी आपड़ कौन चाहते शिक्षार मानदंड कमिजी आपंक एक श्रेष्ठता श्रेष्ठ यूनिवर्सीटी आपको श्रेष्ठतार परिणत करक्ष रूप में अधिष्ठान कर आपंकर कर्तव्य हूँ से शिक्षानुष्ठान एक श्रेष्ठ शिक्षानुष्ठान रूप में प्रतिफलित करवा तेणु एतिप्रति विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ फल निकट भविष्य को गुरुतर आवश्यकता रही उचित दंड विधान होवश्यकता रही फेर भी मैं परवर्त समय पाखक कि बर्तमान आम सहित एबीवीपी राज्य संपादक सौभाग्य महांति जोड़ी होती तेज श्रीजुक्त महांति आपको आलोचना को स्वागत जनइबे और आपंकर प्रतिक्रिया ना जितेबाला आम शिक्षा को प्राधान्य दूचे आम समाज आम देश सब शिक्षार मानदंड को ऊपर ऊर्धर रखी आेत्र में छात्र छात्री को रैगिंग ये घटना को कमी देखुंत नमस्कार शब्द सुभा जी मैडम आज्ञा सुभा जाऊ छी कोंतु परियम आज्ञा देखंतु माने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी एक दायित्ववाद छात्र संगठन हिसाब रे ए घटना को पूरा पूरी भाबे निंदा करू छी एति पई कि माने जेउ बोली भाबे रे माने संबलपुर रे माने लगातार दुई थर पुरला बीएसएसटी रे जो भली बाबर हैला ताबर द्वितीय बार पुनि थरे माने सरकारी होम्योपैथी कॉलेज रे जो घटना निश्चित भाबे निंदनीय आउ सरकार जो जो माने ए घटना करिसंती ए घटना सहित जोडित अछंती सरकार तांको तुरंत दंड दियंतु ता जो भिसी अछंती जो माने अध्यक्षता करचंती से माने ताको चिन्हट करी से मानंको तुरंत भाबे माने दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करंती आउ अखिल भारत विद्यार्थी परिषद रो समस्त कार्यकर्ता मैंने जिते बड़े नुआ नुआ स्टूडेंट मैंने कैंपस भितर को आसंती रैगिंग नुहे फ्री रैगिंग मानते बहुत थर सरकार दावी कर सरकार यह मान कि किसी वर्ष है रैगिंग को मानते अटके दि जाए कौन कैंपस रैगिंग होनी और अखिल भारत विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मैंने जो नुआ नुआ छात्र छात्री मैंने आसती कैंपस को आसती से फूल चंदन दे विद्या मंदिर को स्वागत करती तेणु निश्चित भाव ओडिशा कोण अनुकोण छात्र छात्री मैंने निंदा करेंगे आगामी दिन में घटना हुए आगामी दिन में सरकार निश्चित भाव जेहतु मान भिसी कि अध्यक्ष यार निष्पत्ति नहीं पार ना दृढ़ कार्यानुषान नई पार्टी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मैंने निश्चित भाव राजरास्ता को ओल्लैबाई जेहतु कार्यानुष्ठान कि फाइन से आदाय कर 54,000 टंका फाइन देले ये फाइन आदाय करबा एकमात्र स्ट्रांग एक्शन की देखु मानने कार्यानुष्ठान ग्रहण करने मानने जो छात्र छात्री मैंने रैगिंग से साहस होना कि अध्यक्ष जो मैंने अच्छा जो मैंने सुपरिटेडेंट अच्छा कहवाई
ତେଣୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଏମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟୀ। ଯେମିତି ବୁର୍ଲା କଲେଜରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଗିଂ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 75,000 ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମଳୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମଳୟ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଂର ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଫୋରମ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କି ଇଏ ରାଗିଂ ହେଉଛି, ଏ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲଗା ରୂପର ବାଟ ସରକାର ଖୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତା, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କାହାକୁ ରାଗିଂ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ କି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଗିଂର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ସୁଚାରୁରୂପେ। ଏଇଟା ଉଚିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ରେଗିଂର ମଧ୍ୟ ତା'ର କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କହିପାରିବେ ଯେ ରେଗିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯାଇକି କୌଣସି ଛାତ୍ର କି ଛାତ୍ରୀ ଯାଇକି ହଠାତ୍ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ରେଗିଂ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରଧାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଗିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଗିଂ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗିଂ କରୁଛୁ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବଡ଼ ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛୁ? ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଯେ ରହିଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ରୂପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସିନିୟର ଛାତ୍ର କିଭଳି ମାନସିକ ରହିବା କଥା, ଯେ ଛୋଟ ନିଜର ବା ଜୁନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଅଲଗା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନବାଗତ ଛାତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଗିଂ କଲେ, ଆଉ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରେଗିଂ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁପରି ତାଙ୍କ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରେଗିଂ ହେଇଥିଲା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେଗିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସିନିୟରମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ରେଗିଂ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେହି ରେଗିଂ କରିବା ଫଳରେ ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ଯାଇକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ତାହା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଳୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ସମାଜରେ ଏବଂ ଦେଶରେ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଗିଂକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଗିଂ ବିଲକୁଲ ନ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି କେହି ରାଗିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଫୋରମ ରଖିବା, କିଭଳି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଗିଂକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।